हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? क्या आपका भी वीवो का फोन आपसे लॉक हो गया है और आप अपने फोन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो? तो फ्रेंड, मात्र 1 से 2 मिनट में आप वीवो में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो। कैसे? इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वॉचिंग कीजिएगा और हमें फॉलो कीजिएगा तो आपका वीवो का फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा बिल्कुल फ्री में, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आज की इस वीडियो में वीवो में हार्ड रीसेट नहीं हो पा रहा है कुछ अपडेट के कारण, लेकिन आज की इस वीडियो में आप हार्ड रीसेट भी कर सकते हो मोबाइल अपने खुद से घर बैठे ही, बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा को वेस्ट किए। कैसे करते हैं, आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे न्यू वीडियो एंड न्यू ट्रिक आप सभी के लिए मैं YouTube पर अक्सर लाता रहूं। तो देख सकते हो हमारे Vivo का फोन है जो कि इस तरह का लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो फ्रेंड, अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हमें ऑफलाइन मोड ट्रिक यूज करना होगा जो कि हमारे फोन का ऑफलाइन मोड एयरप्लेन मोड होगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन कर रखा है। बाय द वे, अब अगर आपका गलती से एयरप्लेन मोड का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है या कोई कारण से नहीं हो पा रहा है तो अपने फोन में से सिम कार्ड को निकाल लीजिएगा एंड देन इसके बाद आप लॉक स्क्रीन पेज पे आ जाओगे। पिन लॉक हो, पैटर्न हो या फिर पासवर्ड लॉक हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ना आपको घबराने की जरूरत होगी। आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले आप लॉक स्क्रीन पेज पे आने के बाद एमरजेंसी कॉल का ऑप्शन को आप खोजिएगा। ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट कहीं पे भी होगा होगा, बट इस इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को आप ओपन कर लीजिएगा। इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन ओपन होते ही आपको डायल पैड का ऑप्शन ओपन कर लेना होगा। जब डायल पैड का ऑप्शन ओपन हो जाए तब आपके फोन में यहाँ पे एक FRP अनलॉकिंग कोड यूज करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक FRP कोड देता हूँ जिससे आप FRP बाईपास कर सकते हो घर बैठे। करना क्या है, बस इस कोड को अपने फोन में कॉपी कर लेना है और ध्यान से मिला लीजिएगा कि कैसे FRP बाईपास कोड को यूज किया जाता है। इस कोड को हमें कॉपी करके इस कोड को एक्टिवेट करना होगा सर्विस सेंटर से। तो सर्विस सेंटर से एक्टिवेट के लिए यहाँ पे कॉल का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, बस कॉल पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन दिखेगा, आपको ओके पे प्रेस करके एंड देन इस कोड को हटा लीजिएगा तो आपका कंफर्म FRP अनलॉकिंग कोड जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन इसके बाद आपके फोन में डाटा मौजूद होते हैं, चाहे इमेज हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट्स हो, फाइल हो, कॉन्टेक्ट नंबर हो या जीमेल हो या अनदर एप्लीकेशन, कोई भी तरह का आपको डाटा रिकवर करना है तो मात्र इस कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा, आपका डाटा रिकवर हो जाएगा। बस इस कोड को डायल कर लीजिएगा और ध्यान से मिला लीजिएगा कि कोई भी अंक आपका छूट नहीं रहा है ना, ठीक है। एंड देन इसके बाद इस कोड को एक्टिवेट के लिए हमें कॉल पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन पे, फिर से ओके पे प्रेस करेंगे एंड देन इस कोड को हटा लेंगे। जब दोनों कोड हमारा कन्फर्म एक्टिवेट हो जाए तब हम होम बटन को क्लिक करेंगे और फिर आ जाएंगे लॉक स्क्रीन पेज पे। ये दो काम हो जाने के बाद आप इमरजेंसी कॉल के ऑप्शन को ओपन फिर से कर लीजिएगा, डायल पैड को ओपन कीजिएगा। अब हमें यहाँ पे हार्ड रीसेट कोड यूज करना है, ठीक है। तो इस कोड से आपका हार्ड रीसेट होने वाला है, बस इस कोड को डायल करके इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिएगा, सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कॉल, कट, कॉपी, शेयर एंड देन 3 डॉट का ऑप्शन आने वाला है। बस 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आएगा, मैसेज पे क्लिक कीजिएगा, आपका एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा आपके स्क्रीन पे। बस आपको होम पेज को क्लिक कीजिएगा, आपका वीवो का एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे ही बिल्कुल आसानी तरीका से अनलॉक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।